नमस्कार। कर्क राशि पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आए हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि कर्क राशि के भाई बहन बहुत बुद्धिजीवी, किसान, जवान, पुलिस विभाग, इंजीनियर तथा टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स सबको मेरी तरफ से साधुवाद, शुभकामनाएं। आप लोग इतने ज्ञानी और बुद्धिमान हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में स्वग्रही स्वराशि में है, तो आपका मन बहुत सात्विक है, ईश्वर के निकट है। आपका मन आपको बहुत संतुलित और सुरक्षित रखता है। परंतु अब जो ढैया चल रही है, ढैया सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आपका हानि या आपका अपमान आपको नुकसान कुछ नहीं करेगी। अब हम नए नए समीकरण या जो ग्रहों के बदलाव हैं उन पर बात कर लेते हैं। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, एक एक चीज को विश्लेषण के दौरान बताऊंगा, साथ ही साथ आपके लिए जो इस महीने अलर्ट डेट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जितनी तारीख अलर्ट डेट के रूप में आपको बताई जाएंगी वो सावधानी रखने की दृष्टि से उस दिन, उन दिनों में आप विशेष सावधानी बरतें। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप गाड़ी ठीक चलाओ, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं पानी के अंदर गाड़ी मत ले जाओ। ये सावधानी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी से लेन देन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, विवाद नहीं करना है, क्योंकि ऐसा समय आपका 29 मार्च 2025 तक चल ही रहा है। छोटा सा भी आपने हल्का सा गलत काम किया या सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सतर्क और सचेत रहना है, बचना है। हर व्यक्ति को संदेह और शक की दृष्टि से देखना कि जो मैं ये लेन देन कर रहा हूं, ये पेमेंट कर रहा हूं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तो ये भी एक आपको सावधान करने की एक हमारी स्वभाव है। आप डरते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हमें डरा रहे हो, नहीं, आप मत डरो। कोई कष्ट है या वीडियो खराब लगता है तो उसको मत देखो, और अच्छी चीजें आपको ग्रहण करनी है तो ग्रहण करो। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा मैं पहले अलर्ट डेट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण सुनिए आप। कर्क राशि पर इतनी अच्छी पोजीशन बनाकर के जो बृहस्पति चल रहे हैं उनका वक्री होने का मायने क्या है, उसके इसको आप ये समझिए कि बृहस्पति के वक्री होने के दौरान आपके लिए सकारात्मक पहलू, सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब एकादश भाव में होता है वह सुख की और आमदनी की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। आप सुखी हैं इस दृष्टि से कि आपके ऊपर आने वाली कोई भी परेशानी दूर से दूर चली जाएगी। कारण क्या है, आपका बृहस्पति वक्री होगा तो आपके लिए शुभ होगा, चारों तरफ से शुभत्व देगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। अगर बात कर लेते हैं हम 9 अक्टूबर की, तो ये बृहस्पति वक्री और ठीक 3 दिन के बाद शुक्र, जो शुक्र ही सुख का कारक है कर्क राशि के लिए। शुक्र और सुख एक ही चीज है। ये परिभाषा अगर कर्क राशि पर लागू होती है तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इनकम हाउस आपका चतुर्थ सुख स्थान है, चतुर्थ भाव तुला राशि, माता मित्र, मकान, सवारी, पशु, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कार, मोटर, सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण, अच्छे डबल बेड और गद्दे और सारे सुख के साधन, लग्जरियस आइटम, परफ्यूम, अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र, आभूषण, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको मिल रहा है और भविष्य में मिलेगा।
जिनको अभी तक मिल गया वो खुश हैं, और जिनको नहीं मिला उनको अपेक्षा करनी चाहिए कि ये चीज उन सबको ये आपको मिलेगी इस जीवन में। जो सुख की परिभाषा शुक्र देता है, और शुक्र आपके अब गोचर में 12 तारीख से आएंगे और ये पंचम भाव में होंगे। इनकी दृष्टि आपके इनकम हाउस पर होगी, जहां पर अमृत तत्व बखेरते हुए पहले ही सूर्य बृहस्पति आए हैं, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में नीच राशि में सूर्य का जो प्रवेश होगा वो आपके लिए यात्राओं का कारक बन सकता है, लेकिन आपकी तीसरे स्थान में बैठे हुए इस समय केतु, सूर्य और बुध स्व राशि में है। जब 16 तारीख को सूर्य परिभ्रमण और संचरण करेंगे और उस समय 7:42 पर सुबह सुबह 17 तारीख का जो उदय होगा सूर्य, ये अपने समीकरण बदलेगा, क्योंकि धन कुटुंब वाणी स्थान है आपका, दूसरा भाव उसका स्वामी है सूर्य। शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, परंतु नया समीकरण क्या बन रहा है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि पर जो मंगल आएगा 20 अक्टूबर को, उसकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। अभी तो 12वें भाव में मंगल कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल है। 12वें भाव में जो मंगल चल रहा है, अधिक खर्च, अधिक भागदौड़, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की समस्या तथा गाड़ियों की समस्या, झगड़े, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, एनर्जी वेस्ट हो रही है, पैसा भी और लेक्चर भी देना पड़ रहा है आपको फालतू। लाभ कुछ नहीं हो रहा है इन बातों से, लेकिन लाभ देने वाले बृहस्पति धन का लाभ दे रहे हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन नया समाचार दूंगा, अब आपको अच्छा भी लगेगा। कारण क्या है, आपके दशम भाव जो रेस्पेक्ट का स्थान है, आपकी आपकी नौकरी, आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन हाउस, देखिए उस पर सूर्य की दृष्टि। उच्च लोग बोलेंगे खराब है, नहीं, ये उच्च दृष्टि है। एक नया भाव, जो सारी दुनिया नीच राशि में मंगल कर्क राशि में जब होता है, लघु पाराशरी का तीसरा चौथा पेज उठा करके देखिए, मेष लगन मेष राशि से शुरू होता है और उसमें लिखा हुआ है भावात भावम के सिद्धांत को देखिए कि मेष राशि से चतुर्थ भाव जो मंगल है वो जब नीच राशि में आता है तो शुभत्व प्रदान करता है, खासतौर से कर्क लगन और कर्क राशि के लिए। इस संसार में जितने भी इंजीनियर, पुलिस अधिकारी, सेना के अधिकारी हो, चाहे आप खुद अपने घर में स्टडी कीजिए, जिनके लगन में कर्क राशि में मंगल है वो राजयोग का सूचक है। धनु लगन में मंगल है राजयोग का सूचक है, मीन लगन में मंगल है राजयोग का सूचक है, और वृश्चिक लगन हो या मेष लगन हो, 80% लगन ऐसे हैं जिसके लगन में मंगल बैठ गया उनको राजा बनाता है, कुंभ लगन हो राजा बनाता है। तो कहां तक बचोगे, मीन मकर लगन हो तो भी राजा, वृष लगन हो तो अलग इफेक्ट, मिथुन लगन हो तो भी राजाओं के समान अध्यक्ष बना देता है। तो मंगल स्वभाव से अच्छे प्रभाव देता कर्क राशि कर्क लगन पर। अब जहां जहां दृष्टि डालता है, दृष्टि पर दृष्टि डालिए आप, कर्क लगन में बैठकर 20 तारीख को चतुर्थ भाव को देखेगा, वहां पर सूर्य का अंगारा पहले से ही होगा और उस विस्फोटक करने के लिए मंगल की दृष्टि काफी है। आप ये समझिए कि पेट्रोल का एक कपड़ा लपेट करके डंडा तैयार है और वहां माचिस लगानी है। तो चतुर्थ भाव सुख का कारक हुआ, परंतु आपको अपने इस घरेलू अशांति को कम करने के लिए इस बात के उपाय ढूंढने कि कोई क्लेश ना हो इस दौरान। कर्क पर मंगल आया, कर्क के लिए शुभ है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव को देख करके अशांति उत्पन्न करता है। अष्टम भाव शनि है,
वहां पर मंगल की अष्टम मारक दृष्टि होगी, पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, व्यर्थ की चिंता, संतान के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। तो संतान या जो अगर कर्क राशि वाले स्टूडेंट है, कर्क लगन वाले स्टूडेंट है, उनकी एजुकेशनल संबंधी कुछ परेशानियां उनके सामने आएंगी, लेकिन दूर हो जाएंगी क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए, 4, 5, 6 अक्टूबर, 13, 14 और 15, 21, 22 और 23 अक्टूबर अच्छे परिणाम नहीं देंगी, बाकी सारी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम देगी। जो भी कार्य करोगे सफल होगा, सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।